वो सब बच्चों को अपने बारे में कुछ बताते हैं। ऑब्जर्व करो, देखो उसको ध्यान से, बिल्कुल एक एक मोमेंट देखो उसकी। इसी तरह खींचो, हाँ खींचिए, बैठ जाओ। देखो देखो ध्यान से देखो, मेरे को कैसे देख रहे हो। बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है वो सब, ठीक है। चलो ठीक है, आज मेरा बर्थडे है तो आज सबसे पहले तो मैं मंदिर जाऊंगी, फिर दादी में पार्टी करने जाऊंगी। शिट, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला है क्या? मैं तो भूल ही गई। हेलो प्रीशा, हाँ आज मेरा बर्थडे है, मैं तुझे इनविटेशन भेज दूंगी, प्लीज आना, प्लीज प्लीज आएगी ना? पक्का याद से आना, भूलना मत, नहीं तो स्कूल में मिलूंगी ना तो बहुत डांटूंगी तुझे, ठीक है? और सबको तो बता दिया है, प्रीशा को नहीं बताया था। हाँ तो मेरी गाउन भी हो गई है, केक भी रेडी है, डेकोरेशन भी रेडी है, सब रेडी। I'm so excited। तो आज मेरा बर्थडे है और मैंने सब रेडी कर लिया है। आज सबसे पहले मैं मंदिर जाऊंगी, उसके बाद मैं नैपकिन में पार्टी करूंगी। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया क्या? हेलो प्रीशा, तो मेरे बर्थडे में प्लीज आना, प्लीज प्लीज ना, तू आएगी ना? हाँ अगर नहीं आई ना तो जब मैं तुझे स्कूल में मिलूंगी ना तो
और मेरा गाउन भी रेडी है, डेकोरेशंस भी रेडी है और केक भी रेडी है। इट्स ओके, डायलॉग अगर बीच में आपको नहीं रहता है तो दैट्स फाइन, बट बॉडी लैंग्वेज क्या था, उसने किस तरीके से रुका, किस तरीके से फोन निकाला, किस तरीके से वो एक्साइटेड हुई, दैट्स इंपॉर्टेंट। बस स्टार्ट। आज मेरा बर्थडे, सो एक्साइटेड। हां तो आज सर जब वो चल
अच्छे से लौट के बोलो, वेरी गुड। अच्छा क्या किया है, पॉजिटिव भी बोलना है और नेगेटिव भी बोलना है, दोनों चीजें। अच्छा, एक्सप्रेशन जैसे इसने किए थे, जैसे तुमने भी किए और एक्सप्रेशन ठीक थे, लेकिन बस तुम्हारा बैठने का मूड है और साइड का ये राइट। और कौन बता रहा था? और इसने सब याद रखा कि कैसे बेल चुनी है मुझे, फिर झटकना ना, फिर एग्रेसिवनेस लानी है सब से। ओके फाइन, गुड गुड। और कौन है हर्षिता? हर्षिता और जी जिसका नहीं हुआ है टॉपिक को हाथ खड़े करके लड़ाई करते हैं। ओके सौरभ, यहाँ से क्लीन आएगा ना तो गरीब है, अमीर है, कैसी कैसी घर में रहता है,
वो बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। हम लोग ये सुनते हैं कि चलो किसी कोई भी एक कैरेक्टर में अगर सब्जी वाला बनना है कि बस अभी 2 रुपए किलो ये वो बेच रहा है, बस ऐसा नहीं होता है। उस सब्जी वाले की लाइफ में क्या चलता है एग्जैक्टली, उसके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसका बैकग्राउंड क्या है, बीवी को कितनी गाली देते घर में, वो भी मतलब सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसको उसकी बात करने से हमको अंदाजा लग सकता है कि उसके अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना इरिटेशन है। अगर वो आलू मालूम खरीदने गए उसको वस्तु की, और आलू बेचते टाइम पे उसकी लैंग्वेज क्या है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम दिमाग को रीड कर सकते हैं। उनके बीच के डिफरेंस को आप लोगों को बताना है तो वो भी ऑब्जर्वेशन है, वो भी एक अपने आप में एक है ना आर्ट है। तो दोनों के बीच के डिफरेंस